हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं मनोज, आपका दोस्त, आपका यार। आज मैं दोस्त आपको बतलाने जा रहा हूँ कि जन सुराज के लड़के लोग डोर टू डोर जा कर के कैसे जन सुराज के बारे में बतला रहे हैं कि जन सुराज क्या है और इनका मुहिम क्या है। ये फुल्ली जानकारी दे रहे हैं, ये किस मकसद से जो है ना जन सुराज बिहार में आए हैं उसकी फुल्ली जानकारी दे रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि ये कैसे जो है ना पंचायत में जा कर के और क्या क्या जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। इस बदहाली से निकलेंगे कैसे, किन किन मुद्दा पर इन्होंने वोट किया है? तो यहाँ जात पात पर वोट किया है, 5 किलो अनाज पर वोट किया है, 500 रुपया पर वोट किया है ना, दारू मुर्गा पर वोट किए हैं। तो सवाल है, अपनी वोट की कीमत दारू मुर्गा नहीं है, 500 रुपया नहीं है। यहाँ मेन मुद्दा पर वोट नहीं हुआ है, रोजी और रोजगार पर वोट नहीं हुआ है। क्या आज तक आप लोग कभी रोजी रोजगार पर वोट किए हैं? नहीं किए। अगर कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए रोजी रोज की होनी चाहिए। अगर रोज अगर डेली आपकी अगर इनकम है, अगर छोटा ही इनकम है, तो आपकी फैमिली अच्छी खुशी से जो है ना जी लेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभाल अगर कमाने वाले व्यक्ति है, तो फिर आपके पास दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है, हम लोग भी वोट देते हैं और दूसरे राज्य वाले भी वोट देते हैं, तो वहाँ फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगती है। यहाँ कितने फैक्ट्री है? तो क्या हम लोग इसी स्थिति परिस्थिति में जीते रहेंगे? चेंजिंग भी करना है, कब तक जात के झंडा होते रहेंगे? जात होता है, शादी ब्याह में जात पात देखा जाता है। उस शादी ब्याह में अगर जात पात देखते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग किसी भी व्यक्ति का जात रहते हुए क्या अति दहेज नहीं लेता है, पैसा नहीं लेता है? तो जब वहाँ पर जब वो जातियाता के नाम पर छूट नहीं करता है, तो हम लोग नेता में कहा जात पर जो है भूल जाते हैं कि हम जात के नेता है, ओकरा दे वोट। जब आपका जात है और आप शादी ब्याह में भी आप जो है ना रहम नहीं खा रहा है ना, आपको बच्चा के कहीं पर जो है ना 10 साल के व्यवस्था नहीं लगा सकता है, तो फिर जात किस चीज़ की है? कहला कि हम जात पर धर्म पर बटेंगे भाई, हम मेरा घर जिससे चले हम उसको वोट करेंगे, वो किसी जात के रहें, ठीक है? कभी भी जात पात को वोट नहीं करेंगे। इनका जो है ना 3 संकल्प है, ठीक है, जो आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। पहला, रोजी और रोजगार की व्यवस्था। जब जन सुराज बिहार में आएगी, इनकी व्यवस्था, इनकी शाखा बनेगी, 2025 में आप लोग इनको वोट करते हैं, तो यहाँ साल भर के अंदर रोजी और रोजगार की व्यवस्था होगा, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएंगे कमाने। दूसरा, विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था अपने ही गाँव में, और नेतरहाट और सैनिक स्कूल जैसा स्कूल आपको ब्लॉक स्तर पर मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, जो सभी राज्यों में 2,000, 2,200, 3,000 वृद्धा पेंशन है, अपना यहाँ कितना है बतला जी, 400 से क्या होगा, कुछ होगा? जबकि हम लोग कहते हैं कि हमारे जात के नेता फलाना है ढकाना है ना, बड़े बड़े नेता लोग को हम लोग जिताए, अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाया कि हाँ 2,000 पेंशन यहाँ भी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब जनसुराज बिहार में आएगी तो 2,000 पेंशन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को अगर होता है, ये छुपी और छुपाई हुई बात नहीं है, वो वृद्ध लोगों के साथ ही होता है ना। जवानी में लोग ऐश मौज से जीते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते ही आप मुख्तार नहीं रहते, आपके बेटा और पुतोह मुख्तार रहते हैं, और आप एक एक पैसा के लिए मोहताज हो जाते हैं। अगर 2,000 रुपया आपको अगर मिलेगा हर महीने, तो क्या है कि आपको सभी लोग सेवा करेंगे, ठीक है। तो यही 3 संकल्प है, ये इनका ये कथन है कि भैया आप 100 झूठी वादे मत करो, आप एक ही वादा करो, दो ही वादा करो, तीन ही वादा करो, लेकिन सच्चा वादा करो और पूरा करो, ठीक है ना। कोई पे कहा कौन रह जाए जी, तो जात ना पात पर वोट करना है, पीके की बात पर।